हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी का 30 क्वेश्चन का एक जबरदस्त सेशन लाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। सेकंड है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। थर्ड है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। फोर्थ है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो जैसे कि आप अगर ईवीएस के शिक्षक हैं तो आप कौन सी गतिविधि बच्चों को नहीं करने देंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे बच्चों को बहुत सारा खाना ना ले जाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि जो जानवरों को लिए ले जाएंगे बच्चे, वो ऐसा हमें नहीं करना है। क्योंकि वहाँ पे अगर बच्चे जानवरों के पास में खाना लेके डालते हैं तो हो सकता है बच्चों को कोई ना कोई वहाँ पे नुकसान हो सकता है या जानवर किसी प्रकार का अटैक कर सकते हैं, तो इस प्रकार की अनुमति नहीं देंगे। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। सेकंड है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। थर्ड है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। फोर्थ है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम जैसे बात करें अंकुरण के लिए, वहाँ पर हम बीजों को फोटो दिखाने में ज़्यादा बेहतरीन तरीका होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बच्चों को वहाँ पर किस प्रकार से बीज अंकुरित होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम फोटो दिखाएंगे तो ज़्यादा बच्चे क्या सीख पाएंगे। इसलिए हमारा सबसे बेहतरीन आंसर होगा सेकेंड वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे हो सकता है फर्स्ट पर जाएंगे, पर फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अवलोकन के चरणों की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या प्राइमरी लेवल बच्चे अवलोकन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ये वाला नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती है जिसमें लोह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों से कौन सी क्रमश में बीमारी होगी? तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि मीरा और दिव्या जो दोनों छोटी लड़कियाँ हैं, जो कि एक तो समोसा और कटलेट खाना पसंद करती है, दूसरी जो ऐसा भोजन लेती है जिसमें लोहा तत्व नहीं है, मीरा और दिव्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोटापा और स्कर्वी, सेकेंड है स्कर्वी और एनामिया, थर्ड है एनामिया और रतौंधी, फोर्थ है मोटापा और एनामिया। जैसे कि ये समोसे कटलेट डबल रोटी खाना बच्चे के लिए हानिकारक होता है, तो ये क्या फैट देंगी तो जिससे क्या मोटापा आएगा, और लोहा तत्व की कमी वाला खाना खाएगी दिव्या तो उससे क्या उसमें एनामिया या लोह तत्व की कमी हो जाएगी, तो जो कि रोग होता है लोह तत्व की कमी की वजह से वो एनीमिया होता है। तो इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला इज द करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में। बच्चों को विभिन्न प्रकार के इंद्रों से परिचित कराने के लिए शिक्षक फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में कुछ इंद्रों के नमूने दिखा सकता है, सेकंड है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, थर्ड है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, फोर्थ बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कंडीशंस दिए हैं जो कि बच्चों को ईंधनों के परिचित कराना है हमें। तो जैसे कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें कि एक लघु फिल्म दिखाएंगे तो उसमें क्या है बच्चों की इंद्रियाँ भी सक्रिय रहेंगी और दृश्य श्रव्य सामग्री का वहाँ पर प्रयोग होगा, तो बच्चे क्या इससे बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग सेकंड वाला, क्योंकि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, तो इसमें क्या बच्चे भी सक्रिय हो रहे हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, फर्स्ट है अभिव्यक्तात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, सेकंड है स्थान दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता, थर्ड है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, फोर्थ है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो मानचित्र पढ़ाने के लिए कौन सा कौशल शामिल है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे स्थान दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को बताने की योग्यता की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अव्यक्त अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को लाभ देना या महत्व देना क्या लाभ पहुंचाएगा टीचर के लिए, ये क्वेश्चन में बोला गया। फर्स्ट ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, सेकंड है उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, थर्ड है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, फोर्थ है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परामर्जित करने में। तो जो बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव होंगे उनसे टीचर किस प्रकार से लाभ पहुंचता है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो जैसे हम अगर बात करें तो विषयों के अनुभव को संसार से जोड़ने में और विचार विमर्श करने में तो बच्चों को सीखने को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि NCERT कहता है कि बच्चों को जो हम जो पाठशाला होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, वो क्या उसके इन्वायरमेंट से इंक्लूड या जुड़ी हुई होनी चाहिए, इसलिए बच्चे क्या जल्दी सीख जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। फर्स्ट यह क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि, फर्स्ट ऑप्शन है पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है, सेकेंड है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, थर्ड है पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, फोर्थ है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि यह देखा गया है कि पाचक क्रिया जो होती है बाहर की अपेक्षा अमाशय में अच्छी तरह से होती है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और इसकी सतह का क्षेत्र बढ़ जाता है और एंजाइम क्या इसमें सक्रिय मतलब तेजी से कार्य करना शुरू करते हैं, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ ही में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन क्या है ऑप्शन नेगेटिव में पूछा गया तो आंसर भी हमें नेगेटिव में देना होगा। सीटेट में ऐसा बहुत होता है क्वेश्चन नेगेटिव पूछता है आंसर पॉजिटिव में देते हैं, इसलिए हमें तीन पॉजिटिव है बाकी एक नेगेटिव है जो कि हमें छांटना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, सेकेंड है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, थर्ड है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, फोर्थ है बच्चों को खोजने की प्रक्रियाओं में या क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं करवा दें जो संज्ञानात्मक और मनोचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो जैसे खोजने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सामाजिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर और आत्मसात पर्यावरण की जीवन सरोकार की बात करें तो ये हमारे क्या पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमें आंसर देना है नेगेटिव में। तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे बात कर रहा है शब्दावली और परिभाषा तो ये रटन प्रणाली की तरफ जा रहा है तो बोझ डालना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहे हाथ हाथ में। भैंस के पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, फर्स्ट ऑप्शन है भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है, सेकंड है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, थोड़ा भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, फोर्थ है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो यहाँ पर जो बगुला है भैंस की पीठ पर बैठा हुआ है वो किस प्रकार की क्रिया कर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर कि जब भैंस की पीठ पर जब बगुला बैठा होता है वो क्या करता है, उस वो एक परजीवी सहसंबंध होता है उनके अंदर, क्योंकि जो भैंस की पीठ पर जो उसके शरीर पर जो कीड़े होते हैं या जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें वो खाता रहता है, जो कि ना तो भैंस को नुकसान होता है उससे
और क्या भगवान को भोजन प्राप्त हो जाता है, तो यह सहजीवी संबंध होता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया दिखाना। फर्स्ट ऑप्शन निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। सेकंड है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। थर्ड है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। फोर्थ है टिकट में उपयुक्त विभिन्न संक्षिप्त चरणों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे ईवीएस की बात करें, अध्ययन में पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का क्या नमूना दिखाना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि हम बात करें इसके अकॉर्डिंग कि बच्चों को हम वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देते हैं और उससे क्या बच्चों में अवलोकन करने की कुशलता का विकास होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। एक चीज और यहाँ पे देखिए, हमारा कीवर्ड आया हुआ है यहाँ पे अवसर देना। हम बार बार बताते गए हैं कि अगर क्वेश्चन में अवसर देना इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो हमारे कीवर्ड का कार्य करते हैं। तो जब भी अवसर आपको सेंटेंस या ऑप्शन दिख जाए तो 90% केस में हमारा आंसर इज द करेक्ट होता है ये वाला, इसलिए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय पे अध्यापन ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है निरूपित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। सेकंड है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। थर्ड है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन कराना। देखो हमारा निरूपित करने का मतलब होता है उद्देश्य क्या है हमारा, निरूपित बताना हमारा इंगित करने का मतलब होता है इंगित करना, निरूपित से हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, ऐसा बट नहीं बहुत डिफिकल्ट बट हो तो इंगित करना, किससे इंगित करते हैं। तो जैसे हम इसकी अगर बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, पॉजिटिव में पूछा गया है निरूपित आंसर, नेगेटिव में सोचने से जब भी ये वर्ड आया तो नेगेटिव में आंसर हमें नहीं सोचना है, तो निरूपित करना है क्या उद्देश्य है हमारा। तो जैसे हम बात करें कि यहाँ पे विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ने का कार्य करने का हमारा उद्देश्य निरूपित करना होता है, जिससे इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। जैसे कि यहाँ पे दिया गया बच्चों को अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, जो कि एनसीएफ के हमारे प्लस जाता है, एनसीएफ की तरफ इशारा करता है, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दत्तकार के संबंध में कथन पूछा गया सही। फर्स्ट ऑप्शन है दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। सेकंड है दत्त कार्य अभिभावकों भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। थर्ड है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। फोर्थ है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो यहाँ पे दत्त कार्य के बारे में पूछा गया है, तो जैसे दत्त कार्य में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसे करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि दत्तकार्य होता है जो सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने के लिए होता है, इससे क्या है बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला कि दत्तकार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर मिलता है। देखो यहाँ पे भी क्या अवसर बढ़ाया है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ से हमें मिल गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। सेकेंड है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। थर्ड है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। फोर्थ है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो यहाँ पे ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग के निर्देशन के बारे में बात की गई है, तो क्या किया जा सकता है इस पर क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है बच्चों को स्वयं सीखने की योग्यता बनाने और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चे क्या है यहाँ पे सक्रिय हो रहे हैं। अगर सक्रिय बच्चे रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख पाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। जैसे उसमें दिया गया बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन करने को पैसा सॉरी पैना करने के लिए
इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते साथ ही साथ में। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। दुर्गा एक गांव में रहती है जो कि लकड़ी और गोबर के उपले ईंधन का इस्तेमाल कर रही है जो खाना बनाने में, जो कि उसे 3 महीने से तेज खांसी आ रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। सेकंड है उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण वृद्धावस्था। थर्ड है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई होगी। फोर्थ है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया और इसके ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। जैसे हम बात करें तो जब हम ओपले और लकड़ी का ईंधन जलाते हैं खाना पकाने के लिए, तो उससे क्या होता है, उससे जो धुआं निकलता है, उत्पादित जो काला धुआं होता है, वो क्या उसकी श्वास नली में जमा होने की वजह से क्या है? उसे 3 महीने से तेज खांसी आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। अगर बहुत सारे बच्चे आएंगे थर्ड वाले पे कि मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जम गई होगी, तो ये मोनोऑक्साइड निकलती है बाइक के धुएं से निकलती है या कार के धुएं से निकलती है, इसलिए हमारा आंसर ये वाला नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? दोपहर का जो भोजन अवकाश हो गया हाफ या लंच होने के बाद बच्चे क्या करें, ईवीएस पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट अपने बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। सेकेंड है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। थर्ड है बच्चों को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। फोर्थ है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो इस प्रकार से क्रिया थी। तो आप शिक्षक होने के कारण या होने पर आप किस प्रकार की चीज़ें करेंगे? तो जैसे कि अगर बात करें आप क्या करेंगे, हम क्या करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित क्या क्रियाकलाप करेंगे या शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या बच्चों को पाठ रुचिकर लगे, और दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे जिससे क्या बच्चों को क्या पाठ रुचिकर लगेगा, तो उन्हें वो क्या है वो उसमें रुचि लेंगे। तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5th के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी अब क्या अपेक्षा रहेंगी? क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान की एक 5th क्लास के बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई गई है, तो आप भ्रमण के दौरान बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे, ये क्वेश्चन बोला गया। फर्स्ट है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछ लेना चाहिए। सेकंड है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। थर्ड है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। फोर्थ है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी चीज़ बच्चों और शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियां हमें दी गई हैं इसमें। तो क्या करना हुआ, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे कि हमें क्या करना हुआ कि इस प्रकार से उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे हैं, और टिप्पणियों को दर्ज करना चाहिए, बाकी बच्चों से और शिक्षकों से क्या अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, मतलब बात विवाद करना चाहिए, क्रियाकलाप करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें करनी चाहिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाते थे, क्योंकि बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो उस प्रकार की क्रिया करें, तो हमारा ये अपेक्षा होनी चाहिए। तो इसे इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों या शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दिए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रीना क्या करती है, कूड़े को 2 हिस्सों पर इकट्ठा करती है। जैसे फर्स्ट है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। दूसरा है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट या ट्यूब प्लास्टिक के खिलौने। तो उस प्रकार 2 ढेरियां बनाई रीना ने। तो रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है, तो बाकी का क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट है घरेलू कचरा औद्योगिक कचरा है। सेकेंड है
दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, थर्ड है अपगणित होने वाले, अपगणित नहीं होने वाले, फोर्थ है पुनः चक्रण किया जा सकता है, फोर्थ और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार की दो डिग्रियां दी गई हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पे क्या है, उसने क्या किया गया, जो कूड़ा अपगणित हो सकता है उसे अलग कर लिया गया और जो नहीं हो सकता है उसे अलग कर लिया गया। जैसे कि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके वगैरह क्या, सूखी पत्तियां क्या, अखबार ये क्या अपगठित हो सकती है, मतलब जमीन दबा देंगे तो ये क्या मिट्टी का रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, मतलब बदल जाएंगे कुछ समय बाद। मगर जैसे जैम की बोतल, सॉस की बोतल और टूथपेस्ट, इस प्रकार की ये प्लास्टिक की बोतल हो सकती है, खिलौने हो सकते हैं, तो ये क्या है परिवर्तित नहीं होंगे क्योंकि काफी समय तक ये प्लास्टिक में ही बने रहेंगे, इसलिए क्या अपगठित होने वाले भी उसने अलग कर रखे हैं। जैसे इसके अकॉर्डिंग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ब्लैक को प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर इसकी बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, सुंदरलाल बहुगोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो फर्स्ट हीन तजनाज रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, सेकेंड हमारी उपापचय दर बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं, थर्ड है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, फोर्थ है पेशियों का विकास करके हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं, या हमारे विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। इस पर क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया। तो विटामिन कैसे होते हैं ये क्वेश्चन में दिया गया, तो इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि ये विटामिन क्या करते हैं, हमें हीनतजा रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है, जैसे कि स्कर्वी है, रतौंधी है, तो इस प्रकार क्या है, जैसे स्कर्वी के लिए हम क्या आंवला या खट्टी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, रतौंधी की हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं, तो इससे क्या है हमें रोगों से क्या थोड़ा बहुत हमें बचने की मिल जाता है। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देते हैं साथ में। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर में से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें फर्स्ट ऑफ में फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, सेकेंड है कीड़ों को दूर रखने के लिए, थर्ड है चिकना और साफ बनाने के लिए, फोर्थ है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यह बोला गया कि गाय के गोबर से ग्रामीण के लोग या दीवारों और फर्श पर लीप देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको चिकना और फर्श को साफ बनाने के लिए हम कार्य करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है, एक किसान क्या है दानों को भूसों से अलग करना चाहता है, भूसा होता है जैसे भूस वगैरह बोलते हैं उससे अलग करना चाहता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया से कर सकता है, तो निष्पावन प्रक्रिया होती है, उससे वो क्या अलग कर सकता है, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हम क्या करते हैं बरसा कर, जैसे जिधर से हवा चल रही हो उधर से वो क्या है हवा की तरफ क्या बरसा देंगे, मतलब गिराते चले जाएंगे और भूसा उड़ता हुआ चला जाएगा और दाने के नीचे गिर जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्न करने से उद्देश्य नहीं है, आंसर नेगेटिव में पूछा गया तो हमें आंसर भी नेगेटिव में देना है, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा तो आंसर भी हमें क्या करेंगे नेगेटिव में देंगे। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सेकेंड है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, फोर्थ है सॉरी थर्ड है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, ये शक्ति विकसित करना, फोर्थ है बच्चों में तर्कणा विकसित करना। तो इस प्रकार दिया, तो तर्कणा शक्ति विकसित करना पॉजिटिव है, ये भी चिंतन करना पॉजिटिव है, ये भी क्या है सृजनात्मक योग्यता विकसित करना, उत्सुकता क्या विकसित करना, ये क्या पॉजिटिव है, ये पहले पूछेंगे तो क्या इससे बच्चे चिंतन प्रक्रिया करते हैं, तो ये हमारे क्या पॉजिटिव में, तो हमें आंसर कितना है नेगेटिव में देना है, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कि मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाना, इस पर ये क्रिया में नहीं करनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देते हैं, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है और एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके बच्चे उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बात करते हैं कोई पुरुष है उसका रक्त समूह ओ है और कोई स्त्री है ए समूह वाली, तो उससे शादी हो जाती है, तो उसके पहले बच्चे का ओ समूह जो रक्त होगा उसकी संभावना कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
50% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में। टूटता तारा उल्का है, फर्स्ट ऑप्शन है उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, सेकंड है एक समान गति से चलने वाला तारा, थर्ड है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, फोर्थ है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो टूटते तारे या उल्का पिंड के बारे में बोला गया है। तो अगर इसकी बात करते हैं, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है वो होता है उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। क्वथन या उबलना और बाष्पीकरण में अंतर है, यहाँ पे उबलना और बाष्पीकरण में अंतर पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं, सेकंड है क्वथन में द्रव से बाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण में नहीं, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जिस कंडीशन दी गई है, अगर हम इसमें बात करते हैं बाष्पीकरण क्या है, किसी भी तापमान पर हो सकता है मगर क्वथन नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, जैसे कि पानी क्या है जो 100 डिग्री पर क्या उबलना स्टार्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा, सेकंड है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, थर्ड है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, फोर्थ है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षा और खेल और उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो प्राथमिक लेवल पर हमें क्या करना चाहिए, ये आकलन में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम प्राथमिक लेवल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक को सतत और असंरचनात्मक तरीके से अवलोकन बच्चों के करना चाहिए और अभिभावकों से उनके साथ में अनुभव बांटने चाहिए। तो क्या बच्चे सीख किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से सीख रहे हैं, तो इस प्रकार के अनुभव बांटेंगे तो क्या हमें पता चलेगा बच्चे कैसे सीख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहें शेयर करते हैं साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में। तो नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि, फर्स्ट ऑप्शन नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, सेकंड नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, थर्ड है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, फोर्थ है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो नींबू क्या है जो साधारण पानी में तो डूब जाता है मगर नमकीन पानी में तैरता है, इसका कारण क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगर इसकी बात करते हैं, नमकीन पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी के घनत्व से क्या ज्यादा हो जाता है, इसलिए क्या नींबू वहां पर डूबता नहीं है, इसलिए इसका ये कारण हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि, फर्स्ट ऑप्शन है कम तापमान में भोजन की और भोजन का नमी तत्व तो घट जाता है, सेकंड है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, थर्ड है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, फोर्थ है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में पके हुए चावल या किसी भी भोजन को हम रखते हैं बनाकर, तो वहां पर क्या होता है अधिक तापमान पर या कम तापमान पर क्या होता है, कम तापमान पर रोगाणु क्या निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए वो काफी समय तक भोजन हमारा चल जाता है या हमारा खराब भोजन नहीं होता, इसका कारण है जो कि आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, फर्स्ट ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडे, सेकंड है लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम, थर्ड है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, फोर्थ है रक्त में मच्छर के लार्वे। तो कौन सी कंडीशन में मलेरिया की पहचान की जा सकती है रक्त में, ये क्वेश्चन में पूछा गया। अगर इसकी हम बात करते हैं तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया की क्या परजीवी या प्लाज्मोडियम पाए जाती हैं जो कि मच्छर के काटने के माध्यम से वो लार उसके पहुंच जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में, इतनी मेहनत करने के बाद में लाइक तो बनता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने
के लिए कविताओं और कहानियों कथनों का प्रयोग करना क्वेश्चन बोला गया है कि ईवीएस की कक्षा में या पाठ्यचर्या में जो अवधारणा स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग या कथन प्रयोग क्यों करना होता है, कारण ये पूछा गया है। क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है, बच्चों में विद्वान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। सेकंड है, उच्च दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेतित करता है। थर्ड है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। फोर्थ है, स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। जब हम कविता और कहानियों की बात करते हैं तो इससे क्या बच्चों में चिंतन की प्रक्रिया की बात आती है और इससे क्या है इसमें कल्पना करने की बात आती है, जिससे कि यह योग्यता विकास का करने में इसमें मदद मिलती है। उससे क्या है बच्चे से क्या दूसरी बात होती है क्या संसार से जुड़ते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि कहानियों में जो चीज़ बोली जाती है वही चीज़ क्या उस एनवायरमेंट से इंक्लूड होती है। तो इसके स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की मदद योग्यता का विकास करने में मदद करता है, इसलिए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज द हमारा सेशन ये समाप्त होता है। जैसे कि ये सेशन अगर वीडियो लंबा होता तो कोई बात नहीं, आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा मिलना चाहिए। सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हम वीडियो यही डालते हैं तुरंत आपको मिल जाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।